खबर पलामू जिले के पाटन प्रखंड सुठा पंचायत से है, जहां करर ग्राम के जोगी पीर बाबा के प्रांगण में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक शरण सिंह चेरो की अध्यक्षता में की गई। सभा का संचालन प्रखंड अध्यक्ष निर्जल कुमार चेरो के द्वारा किया गया। बैठक में जिला संयोजक त्रिपुरा सिंह चेरो, पाटन प्रखंड उपाध्यक्ष भोलानाथ उराव, सचिव शंखनाथ उराव, हरेंद्र सिंह चेरो, ब्रजनंदन सिंह चेरो, उमेश सिंह चेरो ने भाग लिया। अपने बहुमूल्य विचारों को उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पाटन प्रखंड के सुठा पंचायत का पंचायत स्तरीय समिति का विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सरवन सिंह चेरो को अध्यक्ष, मनोज सिंह चेरो को सचिव, धानो देवी को कोषाध्यक्ष, पैरवा देवी को उपाध्यक्ष, उमेश सिंह चेरो को उप सचिव, राजू सिंह चेरो को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें संयोजक रविशंकर सिंह चेरो एवं सह संयोजक अरुण सिंह चेरो सहित 21 सदस्य समिति का विस्तार किया गया। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह की। जिस प्रकार से जो हो इसको वो क्या करते गए, हम लोगों के कब्जा से वो लोग अपने कब्जा में ले लिए, यानी डरा के हम लोग से छीन लिए। जब छीन लिए तो हम सभी क्या हो गए, गरीब हो गए, जबकि आदिवासियों का ये जमीन पर हक होना चाहिए, लेकिन आज हक से वंचित हो गए। इस अधिकार को समझने के लिए हम सबों को सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं होते हैं तब तक अपना जो हक है उसको हम लोग नहीं ले सकते। तो ये सारी बातों को जानने के लिए हम सबों को एक विस्तार रूप से कमेटी को गठन करना है, और ये सभी महिला पुरुष सभी मिलकर इस कमेटी को गठन करना है, और बेहतर ढंग से हम सभी बारी बारी से जो है सभी का विचार को सुनेंगे। आखिर हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ेगा आज कि हम सभी आज इकट्ठा हो गए, अपना क्या भूल गए, क्या हमसे छीना जा रहा है, क्या आदिवासी को हम लोग को संगठन होना पड़ा है, क्योंकि हम सबों को अलग अलग जातियों में बांट कर ऐसा कमजोर कर दिया गया है, जबकि हम सभी अपना लड़ाई लड़ कर इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के मेहनत तले हम अपना हक को ले सके। हम सभी लोग जानते हैं, कहीं न कहीं सुनने के लिए मिल जाता होगा या अगल बगल में देखने के लिए भी मिल जाता होगा कि आदिवासियों के जमीन पर कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में जैसा हमला किया है, अटैक किया, या जो है हमला करने वाले अधिकतर जो हमला किया है वो समझे कि जो मनुवादी सिस्टम के हैं, मनुवादी लोग हैं, जिसे हम लोग दूसरे रूप में स्वर्ण लोग कहते हैं, स्वर्ण जाति के लोग कहते हैं, ये लोग अधिकतर जमीनों पर जैसा आक्रमण किए हैं आदिवासियों के जमीन पर। आदिवासियों की जमीन पर आक्रमण करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ गया क्योंकि हमारे साथ जैसे CNT एक्ट के कवच बना दिया गया, CNT एक्ट 1908 जो धारा है उससे हम लोग जो भी पढ़े लिखे उससे अवगत होंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग होंगे वो लोग कहीं ना कहीं सुनते होंगे, एक कानून है बना हुआ है। हमारा जो जमीन का मालिक है वो DC है। आप सोचने की बात है कि सभी लोगों का मालिक तो लोग अपने अपने हैं, लेकिन हमारा मालिक क्यों है DC, मेरे जमीन का मालिक DC क्यों है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो मेरे जो जमीन का मालिक DC है, इसका मुख्य कारण यह है कि हम आदिवासी लोग, जितने भी प्रकार के यहाँ के आदिवासी हैं, सभी लोग पुराने जमाने से यहाँ पर निवास करते रहे। आदि का मतलब होता है बहुत पुराना, पता नहीं कितना दूरी, और वासी का मतलब वास करने वाले। अगर एक तरह से कहा जाए कि अगर कहीं किस धरती की सृष्टि हुई है यहाँ पर मानव जब आए होंगे, हमारे पूर्वज पहला मानव। जैसे चुलहिया अलग है, अलग है बा खाना, तो सबके चार भाई के अलग अलग बनता है, लेकिन विचार एक होना चाहिए था, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो उसी प्रकार से हम लोग 32 जातियाँ हैं, 32 जातियों में उराव हुआ, चेरो हुआ, खरवार हुआ, मुंडा हुए, इतना बहुत से ऐसे हैं, तो 32 जातियों मिला करके हम लोग एक महासम्मेलनी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का ये मतलब संरचना किया जा रहा है, बनावट जिसको बोलते हैं, बल्कि छतरी है, छतरी का मतलब छाता, ओकरा में सबके रखना है नाता ना, तो ये नाता रखना है। अभी ब्रजनंदन जी कहे कि नाता गोता जोड़ करके ना उहे जोड़ना है, तो उस छतरी के नीचे सबको आना है, मतलब छाता के नीचे उस सबको आना है। अब आइए और मिलिए, बच्चों जाती हैं, बच्चों मतलब आदिवासी हैं, एक बनिए। कहीं जाते आते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो आदिवासी है, ये तो नीच है, इसको जगह नहीं देते। कई तरह से बात होती है बीच में, तो वहाँ पे लोग कहता है कि तो आरक्षण से आया,
हमें आरक्षण क्यों मिला, हम यहाँ के निवासी हैं इसलिए हम लोग का आरक्षण यहाँ दिया गया। बाहर के लोग यहाँ आएंगे इस गांव में, हम जो हमारे गांव के लोग हैं पहले हम उनको पहचानेंगे, उनको पहचानेंगे, पहले हम गाँव वालों को पहचानेंगे क्योंकि हम इनके साथ पले बढ़े, यहाँ खेले कूदे, हर चीज़ किए हैं, तो पहले तो हम इनको पहचानेंगे, इनको पहले हम बुलाएंगे, उसके बाद किसी बाहर का आदमी बुलाएंगे। तो ऐसे कह के हम लोग एक तरह से तुच्छ समझ रहे हैं कि ये आदिवासी है, ये लोग झूठ से आगे बढ़ता है, इन लोग के अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन उस हिम्मत हमें क्यों हुई है, हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और जब कहीं भी देखिए बड़े लोग, अभी हमारे गांव में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि झगड़ा झंझट बहुत होते हैं, खेत खुले करके दूसरा कोई कब्जा कर लिया, आपस में तो लड़ जाते हैं लेकिन जो उनसे बलवान होते हैं उनसे नहीं लड़ पाते, वो आगे नहीं देख पाते कि हमारे कहां तक कागजात है नहीं है। ज़्यादातर अभी हमारे गांव में यही चल रहा है, खेत विवाद जो भी हो, अन्य कोई दाब लिया हो, हम आपस में विवाद को सुलटे। इन्होंने जो बोले सर, जो कि वहां मेला जहां पर लगता है दुबिया खाड़, ये बात सही है, हम लोग खुद जानते हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है, ये लोग जा रहे हैं लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे लड़ने वाले हैं ना, हम लोग क्या करें, हम लोग का तो काम करना है अपना इधर, लेकिन संगठन वहाँ होना पड़ेगा। एक से दो बढ़ेंगे, दो से तीन बढ़ेंगे, चार बढ़ेंगे, हो सकता है कल हज़ार बढ़ जाए, तो ऐसे धीरे धीरे सबको जुटना पड़ेगा। उनका गुण करने लगा रहे हैं कि जाति को लगा रहे हैं, गुण को लगा रहे हैं ना, तो हमको गुण गुण देखना है ना, जाति नहीं देखना है। आज बिरसा मुंडा का क्यों लगाया जा रहा है स्मारक, क्यों लगाया जा रहा है, वो भी तो आदमी था, उसका गुण को देखते हुए आज 24 साल में ही हुआ देश के लड़ाई में अपना जान दे दिए हैं, अब आजकल के बच्चे यहाँ 24 साल में चलना नहीं सीख रहे हैं, तो ये तो अशिक्षा का कारण है ना। शिक्षित बनो, संघर्ष करो तब होगा, और नहीं शिक्षा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री है, डीसी से भी है, डीसी से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई वहाँ हिचकिचाच नहीं है। अब तो यहाँ जब जो नहीं तो जो का है बाघ है डायरेक्ट नहीं तेंदुआ है, कि इसलिए आप लोग डरिए मत, हाँ बाघ नहीं है, इसलिए सभी बिंदु पर जो भी हमारे त्रिपुरारी जी बताए इस चीज़ पर अमल करिए और इसमें संगठित होइए, और हर चीज़ पर वास्तविक में सूरदास को जमीन दावा है उस भी जान रहे कि कौन हम पर देश में चला है, गले बाकी लाठर में ने जाठर भी दोनों मत है, और कितना मल्टा सतर पी लगे रातों रात हम पठा दे निखता हम ही क्रांति के लिए। अगला बार में कह देव कि पलामू के धरती के बारे में कह, पलामू के धरती किसका था, राजा में राजा में दुनिया का कह टीकर टाकर गाय देखे और हिंदू मुसलमान क्रिस्तान घर कहाँ उची हो जाए, लेकिन क्यों नगर मनहान मनहान तो आप लोग लुटवा दिए, नारी शक्ति आप लोग जिस दिन तेज हो जाएगी रांची में जाइए, आप लोग के देखना है तो वहाँ देखिए, वहाँ हम ले जाएंगे, दिल्ली में ले जाएंगे, लाल किला के पास ले जाएंगे। क्या मिला है इस बात को आप बताइए, आपके पूर्वज क्या करते थे तो यही ना सिखा जाता है। देखिए आप लोग बताइए कि आपका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है, वो बुजुर्ग हिरु बताऊं थोड़ा सा, चदुरा के नाम आप लोग सुने हैं कभी? नहीं तो नहीं सुने हैं। सुन ले ही सरहुल कि जदुरा होत रहे सरहुल, अरे सरहुल नहीं जदुरा, जैसे कि मानव के लोग जो है से गीत गाता था, झूमर खेलता था, ये आदिवासी चेरों के समाज में था या नहीं?